डियर स्टूडेंट्स, अपन ने कल की क्लास में देखा था हृदय की संरचना, यानी हृदय की संरचना के बारे में अपन ने अध्ययन पिछली क्लास में कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे हृदय की क्रिया विधि। क्रिया विधि से पहले अपन जान लेते हैं कि हृदय का कार्य क्या होता है। तो अपने हृदय का जो कार्य होता है वो रुधिर को पूरी बॉडी के अंदर या पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का या पंप करने का जो कार्य है वो हृदय के द्वारा किया जाता है। अतः कह सकते हैं हृदय का जो कार्य होता है रुधिर को बॉडी के अंदर सप्लाई करने का कार्य होता है। अब देखते हैं भाई हृदय की क्रिया विधि, यानी कि हृदय है वो किस तरह से कार्य करता है। हृदय की जो क्रिया विधि है वो तो उसे दो भागों के अंदर विभाजित किया गया है, ठीक है, ये दो चरणों के अंदर होती है। ये नंबर एक आता है हृदय स्पंदन और नंबर दो आएगा हृदय चक्कर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हृदय स्पंदन, ठीक है, या हार्ट वाइब्रेशन। तो हृदय स्पंदन क्या होता है ये देखो। सबसे पहले हृदय के अंदर होने वाले नियमित कर्मिक संकुचन, हृदय के अंदर होने वाले नियमित कार्मिक संकुचन या नियमित अंतराल के दौरान होने वाले जो संकुचन है वो कहलाता है हृदय स्पंदन कहलाता है, ठीक है। हृदय स्पंदन क्या होगा, नियमित कार्मिक संकुचन, ठीक है। अब देखिए भाई, एक स्पंदन होता है उसके अंदर, एक स्पंदन इसके अंदर हृदय एक बार तो संकुचित होता है, एक तो होता है संकुचन और एक बार विकुंचित होता है। तो अपन कह सकते हैं कि एक स्पंदन में एक संकुचन एक विकुंचन, एक बार सिकुड़ता है और एक बार वापस अपनी वैसी स्थिति के अंदर आता है। और एक संकुचन और एक विकुंचन हो जाता है उसे बोलते हैं हृदय का एक स्पंदन कहा जाता है, ठीक है। हृदय का जो स्पंदन है वो हृदय पेशियों के द्वारा किया जाता है। ये स्पंदन की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, पेशियों के द्वारा होती है। तो हृदय की जो पेशियां हैं वो अनैच्छिक प्रकार की होती हैं, यानी कि इनको ऊपर अपनी इच्छा शक्ति का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यानी जो स्पंदित होती है वो अनैच्छिक प्रकार की होती है, अपनी इच्छा के अनुसार न होकर स्वयं ये स्पंदित होती है। इसलिए हृदय की जो पेशियां हैं वो होती है अनैच्छिक प्रकार की होती है। इनके ऊपर जो आवेग की उत्पत्ति होती है, यो आवेग की उत्पत्ति स्वयं होती है, और इसलिए जो अपना हृदय है इसको मायोजेनिक हृदय, मायोजेनिक हृदय भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो आवेग की जो उत्पत्ति है वो स्वयं हो रही है, न कि अपनी इच्छाओं के अनुसार हो रही है। इसलिए जो हृदय है उसको बोलते हैं मायोजेनिक हृदय कहा जाता है, ठीक है। ये तो भाई अपना हृदय किस कैसे किसके अंदर स्पंदन होता है। भाई जो स्पंदन है ये कैसे होता है एक बार देखना। जो हृदय में जो स्पंदन है एक विशेष प्रकार के चालन तंत्र के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं हृदय चालन तंत्र। एक विशेष प्रकार के चालन तंत्र के द्वारा होता है, या हृदय का जो स्पंदन करने का जो कार्य है एक विशेष प्रकार के तंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसको बोलते हैं हृदय चालन तंत्र। ये जो हृदय चालन तंत्र है ये बना होता है SAN सिरा आलिंद घुंडी, या सिट्रियल नोड, इसको सिट्रियल नोड इसको कहा जाता है। सेकेंड है AVN एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। पहले कौन सा था, सिट्रियल नोड जिसको बोलते थे सिरा आलिंद घुंडी। सेकेंड है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड आलिंद मिलय घुंडी। नंबर तीन है हिजके बंडल, और नंबर चार पुरकिंजे के तंतु। ये चारों मिलकर के हृदय चालन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले जो SAN नोड है,
जो एस ए एन है ये कहां पर फैल, जो एस ए एन है वो उद्र महाशिरा, जो अपनी कौन सी है उद्र महाशिरा, ये इसके पास में जो अपना जो दाया आलिंद होता है, दाया आलिंद के दाएं आलिंद के ऊपर उद्र महाशिरा के पास में है, वहां पर पाया जाता है एस ए एन नोड, ये सिरा आलिंद गुंडी यहां पर पाई जाती है। ये सिरा आलिंद गुंडी है ये आवेगों का उत्पन्न करती है, ये आवेग धीरे धीरे पहले आलिंदी को आलिंदों के ऊपर फैल जाते हैं, उसके पश्चात जैसे ही आलिंदों पर फैलते हैं तो उसके पश्चात ये आवेग पहुंचते हैं एवीएन के ऊपर, एवीएन पाया जाता है जो आलिंद या अंतर आलिंद जो पट होता है, दोनों जो आलिंद है इसके मध्य में जो पट पाया जाता है उसको बोलते हैं अंतर आलिंद पट, इसके ऊपर यानी समथिंग ये यहां पर पाया जाता है, ठीक है, यहां पर पाया जाता है एवीएन एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, यहां पर ये पाया जाता है। पहले आवेग उत्पन्न किया जाता है एस ए एन के द्वारा, ठीक है, उसके पश्चात जो एस ए एन है सिरा आलिंद घुंडी है इससे आता है एवी एन के ऊपर, पहले आलिंदों पर फैलेगा, आलिंदों से आ जाता है एवी एन के ऊपर ये आवेग आ जाता है, फिर हिजके बंडल और पुरकिंजे के तंतु के द्वारा इस दोनों के दोनों जो निलय होते हैं इनके ऊपर ये आवेग फैल जाते हैं। इस एस ए एन नोड के द्वारा ही जो अपना हृदय है उसमें स्पंदन होता है और एक मिनट के अंदर जो अपना हृदय है, एक मिनट के अंदर जो हृदय है वो 72 से 80 बार स्पंदित होती है, 72 से 80 बार धड़कता है, ठीक है, किसके कारण धड़क रहा है एस ए एन नोड के कारण ये धड़कता है, इसलिए इसे एस ए एन नोड को हृदय का पेसमेकर भी कहा जाता है या हृदय का हृदय भी कहा जाता है। हृदय का हृदय या पेसमेकर क्यों कहा इसको, क्योंकि जो अपने शरीर है उसको जो चलाने का जो कार्य, सप्लाई करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, हृदय के द्वारा, शरीर में कौन कर रहा है हृदय, और इस हृदय को चलाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है एस ए एन नोड द्वारा किया जाता है, यानी शरीर को चला रहा है हृदय और हृदय को कौन चला रहा है एस ए एन नोड, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है हृदय का हृदय या पेसमेकर भी कहा जाता है, और इसके कारण ही अपना जो हृदय है वो 75 से 80 बार धड़क पाता है। ये तो था भाई अपना जो पहला का जो चरण कौन सा, हृदय की क्रियाविधि का हृदय स्पंदन, ठीक है, अब सेकेंड चरण आता है हृदय चक्कर, ठीक है, अब देखते भाई हृदय चक्कर क्या होता है, अपना जो हृदय है उस रुधिर को पूरी बॉडी के अंदर या पूरे शरीर के अंदर पंप करने का कार्य करता है, ठीक है, अब जो हृदय है ये बॉडी के अंदर रुधिर को एक चक्रीय क्रम में पंप करता है, यानी ग्राउंड जो पूरा बॉडी का ब्लड है घूमकर वापस हृदय के अंदर ही आ जाता है, ठीक है, इसलिए एक चक्कर के रूप में इसको पंप करने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हृदय चक्कर कहा जाता है। तो हृदय चक्कर है इसके भी भाई तीन चरण होते हैं, ठीक है, नंबर एक है आलिंद संकुचन, ये इसको बोलते हैं आलिंद प्रकुंचन भी इसको कहा जाता है, संकुचन बोलो या प्रकुंचन बात एक है। देखो आलिंद संकुचन कैसे होता है, आपको कल भी बताया था भाई जो इसकी कार्य सॉरी इसकी संरचना थी उसके अंदर बताया था, तो अपना आलिंद है ये दो होते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं आलिंद, चार पोस्ट होते हैं हृदय के जिसमें दो ऊपर की और दो आलिंद दो निलय होते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ वाले जो आलिंद है इनके अंदर जो को एक है राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, राइट साइड के अंदर है वो रक्त पाया जाता है अशुद्ध, जबकि लेफ्ट साइड के अंदर जो रक्त होता है वो शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो अशुद्ध रक्त कहां से आएगा, बॉडी से, तो बॉडी से आया हुआ रक्त, और बॉडी से रक्त कौन ला रही है राइट सॉरी इंफीरियर वेना केव या निम्न महाशिरा और सुपीरियर वेना केव उद्र महाशिरा, निम्न महाशिरा व उद्र महाशिरा बॉडी के जो अशुद्ध रक्त है उसको लक लेकर आती है और किसके अंदर डाल देती है राइट ओराइकल या जो सॉरी दाया जो आलिंद होता है उसके अंदर डाल देती है,
बॉडी से रक्त आया और किसके अंदर आया, अशुद्ध रक्त दाया आलिंद के अंदर आ गया, ठीक है। और लेफ्ट साइड में कैसा रक्त है, शुद्ध रक्त है, और शुद्ध रक्त कहां से आता है, फेफड़ों से आता है, और फेफड़ों से लाने का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, पुलमोनरी, पुलमोनरी जो सिरा है उसके द्वारा शुद्ध रक्त फेफड़ों के द्वारा लाया जाता है। यहां से ये कहां से लेकर आ रही है, लेफ्ट लंग से लेकर आ रही है, जबकि ये कहां से लेकर के आ रही है, राइट लंग से लेकर के आ रही है। अब ये जो सिराए हैं जो अपना बाया आलिंद होता है उसके अंदर शुद्ध रक्त को डाल देती है, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों आलिंद, जैसे ही दोनों आलिंद उद्रपल्लिम माशय सिरा से आ रहा है अशुद्ध रक्त, पुलमोनरी सिराओं से आ रहा है कैसा रक्त, शुद्ध रक्त। अब जैसे ही दोनों आलिंद रक्त के द्वारा भर जाते हैं, भरते ही अब एस ए एन नोड है, इसके द्वारा एक आवेग की उत्पत्ति की जाती है। अब ये आवेग धीरे धीरे इन दोनों की यानी कि दोनों आलिंद है इनकी सतह के ऊपर फैल जाता है, इसके द्वारा आवेग की उत्पत्ति की गई। भरते जैसे ये रक्त से भरे, भरते ही इनके द्वारा ऐसे नोड के द्वारा आवेग की उत्पत्ति की, आवेग है इस संपूर्ण आलिंदों की सतह के ऊपर फैल गया, और जिससे ये आवेग, ये आवेग फैलने के कारण अब ये दोनों आलिंद संकुचित होते हैं, अंदर की ओर सिकुड़ते हैं, सिकुड़ने के कारण अब इनका जो आयतन है वो पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम होने के कारण ये जो अपने ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड जो वाल्व होते हैं, इनके इनके मध्य में राइट ओराइकल और राइट वेंट्रिकल, इन दाया आलिंद और दाया निलय के मध्य में कौन सा है, ट्राइकस्पिड वाल्व, जबकि बाया आलिंद और बाया निलय के मध्य में है कौन सा है, बाइकस्पिड वाल्व। जैसे ही ये आलिंद संकुचित होंगे, संकुचित होने से इनका आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होने से अब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ये वाल खुल जाते हैं, और खुलने के कारण अब जो रक्त है वो कहां पर आ जाता है, निलयों के अंदर आ जाता है। ये तो था अपना कौन सा पहला चरण, कौन सा, आलिंद संकुचन। सेकेंड आता है निलय संकुचन। आलिंद संकुचन से रक्त कहां पर आ गया, अब निलय के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब जो धीरे धीरे ये जो आवेग है ये पहले कहां पर था, आलिंद के ऊपर, आलिंद से पहुंचता है कहां पर, एवीएन नोड के द्वारा पहुंच जाता है। अब इस एवीएन नोड के द्वारा हिज्म के बंडल और पुरकिंजे के तंतु हैं ये पाए जाते हैं निलय की जो भित्ति होती है यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से हिजकीय मंडल और पुरकिंजे के तंतु के माध्यम से एवीएन नोड से ये आवेग दोनों निलय की सतहों के ऊपर फैल जाते हैं, फैल गए। अब जैसे ही ये आवेग फैल जाते हैं, अब निलय के अंदर रक्त, ये संपूर्ण रूप से रक्त भर गए, आवेग इनकी सतह के ऊपर आ गए, अब इनकी जो भित्ति है ये भी अंदर की ओर संकुचित होती है, दोनों के दोनों जो निलय है वो संकुचित होंगे। संकुचित होते हैं तो अब इनका भी आयतन क्या होगा, कम होगा। आयतन कम होने के कारण अब जो रक्त है वो कहां पर जाएगा, भाई ये को एरोटा माधमनी के अंदर, ठीक है, और ये रक्त है वो कहां पर जाएगा, भाई अपने जो पुलमोनरी सिरा है, पुलमोनरी धमनी के अंदर जाता है, ठीक है। और साथ ही जैसे ही रक्त ऊपर की तरफ जाता है, अब ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व हैं, ये बंद हो जाते हैं, यानी ये संकुचित हो रहे हैं, रक्त कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वाल्व है ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, यह भी वाल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही यह वाल बंद होते हैं तो अपने हृदय की जो धड़कने की जो प्रथम ध्वनि है वो लब सुनाई देती है, ठीक है। लब किनके द्वारा सुनाई दे रही है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल क्या हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है। ये वाल तो क्या हो गए, बंद हो गए, जबकि पुलमोनरी धमनी तथा एरोटा यानी महाधमनी है, ठीक है, पुलमोनरी धमनी और एरोटा महाधमनी है, इनके जो अंदर वाल पाए जाते हैं कौन से हैं, सेमी ल्यूनर वाल पाए जाते हैं। अब रक्त ऊपर की तरफ जाता है, इन पर दाब पड़ेगा तो अब ये जो सेमी ल्यूनर वाल है ये भी खुल जाते हैं, ठीक है, दोनों वाल खुल गए। अब वाल खुलने से अब जो रक्त है वो कहां पर आ जाता है, धमनियों के अंदर चला जाता है।
यहां से जो शुद्ध रक्त है वो तो कहां पर गया, एरोटामा धमनी के अंदर। यहां से जो अशुद्ध रक्त है वो कहां पर गया, पुलमोनरी धमनी के अंदर। ठीक है, अब जैसे ही रक्त कहां पर आएगा, धमनियों के अंदर। अब धमनियों की सतह के द्वारा ये जो रक्त के, धमनी की जो सतह है ये रक्त के ऊपर दाब डालती है। अब दाब डालती है तो वापस जो रक्त है ये कुछ रक्त तो आगे की तरफ भी जाएगा। जैसे कोई ट्यूब है, ट्यूब के ऊपर आप ऐसे दबाव डालोगे तो इस साइड भी बढ़ेगा दबाव और इस साइड बढ़ेगा। इसी तरह इस ट्यूब पर दबाव डालेगा तो कुछ रक्त तो इस साइड जाएगा और अभी कुछ रक्त इस साइड जाएगा। ऐसे ही एरोटा के अंदर होता है, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तब जैसे ही रक्त कुछ बाहर नीचे आता है तो ये जो दोनों के दोनों सेमी लूनर वाल्व है ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। भाई पहले खुल गए, अब रक्त का दाब नीचे की तरफ आ रहा है तो अभी दोनों की तरफ बंद हो गए। बंद होने से अपने हृदय की जो दूसरी धमनी है वो कौन सी सुनाई देती है, डक। तो डक धमनी है वो अपने को सुनाई को देती है। तो जो अपने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल बंद हो रहे हैं तब तो धमनी सुनाई दे रही है लब, जबकि धमनी के अंदर जो धमनी की सतह के द्वारा जो वाल जो सेमिलूनर वाल है इन पर दाब पड़ता है तो ये सेमिलूनर वाल बंद हो रहे हैं तो दूसरी धमनी कौन सी सुनाई देती है, डप सुनाई अपने को देती है। इसलिए एक बार जो हृदय धड़कता है उसकी धमनी होती है लप डप लप डप लप डप, ये धमनी अपने को सुनाई देती है। जब यहां से रक्त कहां जाता है, पुलमोनरी जो आर्टरी है ये रक्त को शुद्ध करने के लिए फेफड़ों के अंदर पहुंच देती है, पहुंचा देती है। जबकि एरोटा महाधमनी है ये अपने जो रक्त है उसको शरीर के अंदर, शुद्ध रक्त को शरीर के अंदर सप्लाई करने का कार्य करती है। यहां से अपर बॉडी के अंदर चला जाता है, जबकि इस एरोटा के द्वारा जो महाधमनी है ये नीचे की अपनी जो बॉडी है वहां पर रक्त को सप्लाई करने का कार्य करता है। ठीक है, ये तो था दूसरा चरण अपना, कौन सा, निलय संकुचन। अब जो तीसरा चरण है वो है हृदय शीतलन। देखना हृदय शीतलन क्या होगा, अब जो आवेग थे इससे उत्पन्न किए गए थे SANode के द्वारा उत्पन्न हो गए थे। अब ये आवेग जैसे ही ये अपने आलिंद निलय संकुचित हो लेते हैं, प्रकुंचित हो लेते हैं, अब धीरे धीरे आवेग समाप्त होते हैं। आवेग समाप्त होने पर अपने जो दोनों के दोनों आलिंद और दोनों के दोनों निलय है ये वापस अपनी स्थिति के अंदर आते हैं, यानी इनका आयतन वापस बढ़ने लगता है जब इनके अंदर विकुंचन होता है। और वापस स्थिति के अंदर आते हैं तो इनके, जैसे ही वापस दोनों अपनी स्थिति के अंदर आते हैं वापस से रक्त है इनके आलिंदों के अंदर भरने लगता है और फिर संकुचित होंगे, फिर निलय के अंदर जा जाएंगे, फिर निलय है ये संकुचित होंगे, रक्त का धमनियों के अंदर चला जाएंगे और धमनियों से शरीर के अंदर सप्लाई हो जाता है। इस तरह अपना जो हृदय है वो कार्य करता रहता है। तीन चरण है, आलिंद संकुचन, निलय संकुचन और हृदय शीतलन। एक चीज ध्यान रखना, जो आलिंद संकुचन होता है यानी जब आलिंद संकुचित होते हैं उसके अंदर जो समय लगता है वो समय होता है 0.1 सेकंड। आलिंद संकुचन में कितना समय लगता है, 0.1 सेकंड। दूसरा चरण स्टार्ट होता है निलय संकुचन, निलय दोनों संकुचित होते हैं ये जो पूरा चरण है इसमें भाई टाइम लगता है 0.3 सेकंड। ठीक है, और जो तीसरा चरण है हृदय शीतलन, हृदय वापस अपनी जो हृदय है वापस अपनी पुनः स्थिति के अंदर आता है, विकुंचन होता है, उसके अंदर जो टाइम लगता है वो है 0.4 सेकंड। यानी जो एक बार हृदय धड़कता है अपना, उस हृदय के धड़कने के अंदर कितना समय लेगा, आलिंद संकुचन में कितना है 0.1 सेकंड, आलिंद निलय संकुचन में 0.3 सेकंड, जबकि हृदय शीतलन के अंदर होता है 0.4 सेकंड। टोटल ये टाइम कितना हो गया, 0.8 सेकंड का टाइम लगता है। यानी एक बार जो अपना हृदय धड़कता है उसके अंदर जो टोटल जो टाइम लगता है वो होता है 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आलिंद परपुंचन होता है उसमें कितना टाइम होगा, 0.1, अगर निलय परपुंचन का टाइम कितना होगा, 0.3 सेकंड, और जबकि जो हृदय शीतलन है उसका टाइम होता है 0.4 सेकंड। अगर टोटल एक बार धड़कने में पूछा जाए तो 0.8 सेकंड का समय लगता है और एक मिनट में जो अपना हृदय है वो 72 बार धड़कता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, ये तो थे अपने हृदय की क्रिया विधि।